अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन वुमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ब्रेस्ट एंड डॉक्टर सारा आमिर। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर क्या है, चलें इस हवाले से हम बात करते हैं। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके किसी भी बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स की ग्रोथ जो है वो अबनॉर्मली होना शुरू हो जाती है। अगर यही एबनॉर्मल ग्रोथ जो है आपके ब्रेस्ट सेल्स में होना शुरू हो तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में 99% कॉमन है। इसकी जो कॉजेस हैं वो बिल्कुल ही अननोन है, पर कुछ जो चीज़ें जो देखी गई हैं उसमें जेनेटिकली ये रन करता है फैमिली टू फैमिली, और जो है आपका मोटापे की कोई बीमारी है या मोटापा है या आपका जो है स्मोकिंग लेवल है किसी का, तो ये सारे जो है एग्रीवेट करते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत से सिम्टम्स होते हैं। इसी सिम्टम्स की चेंजिंग से सबसे पहले डायग्नोज करके ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा कि आपकी ब्रेस्ट की साइजेस का डिफरेंट होना, ब्रेस्ट की शेप्स जो हैं उसमें चेंज आना, या आपकी निप्पल सुकड़ जाना, या निप्पल से ब्लड या वाइट डिस्चार्ज होना, छाती में किसी किस्म की ग्रिटी का महसूस होना। ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम जब नजर आते हैं तो आपके डॉक्टर डायग्नोज करते हैं अबाउट द बायोप्सी और मैमोग्राफी। ये बायोप्सी और मेमोग्राफी से आपको पता चलता है कि कैंसर कौन से स्टेज पे है। सर्जरी के अलावा जो है जो प्रोसेस यूज होता है वो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। इससे आपके जो भी है स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और रेडिएशन से जो है आपकी जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन सेल्स होती है वो बिल्कुल सुकड़ के सेल्स खत्म हो जाते हैं। ये तो बात थी अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर्स। अब हम आते हैं कि आपके जो है प्रिवेंशन कैसे की जाए। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफ में उसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेस्ट के सेल्स या आपके ओवरऑल जो आपके सेल्स हैं वो ठीक रहें और आप तंदुरुस्त दिखें, तो उसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप वॉकिंग, जॉगिंग या फिर स्विमिंग, कोई भी ऐसे ध्यान में एक्टिविटी रखते हुए 30 मिनट्स अपनी जो है डेली लाइफ में उसको ऐड करें। अगर ऐसा कोई मसला आता है कि सर्जरी के बाद आपको स्टिफनेस और पेन की शिकायत है और वो कंटिन्यूस रह रही है, उसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जिसके जरिए आप अपना पेन रिलीफ कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में इसमें नोज से सांस लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। ये एक्सरसाइज आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, एक बार में 10 बार कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रोल एक्सरसाइज, ये आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। ध्यान में रहे अगर छाती में ज़्यादा दर्द हो तो आप छोटे छोटे सर्कल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। आर्म सर्कुलर एक्सरसाइज, ये भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसमें भी ध्यान रखें कि छोटे सर्कल्स बनाना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। शोल्डर रिंग एक्सरसाइज, चौथी और अहम एक्सरसाइज, अपने दोनों हथेली छाती पर रखें और इस तरह ऊपर ले जाएं, और ख्याल रहे कि 90 डिग्री से ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू एक्सरसाइज, ये हमारी पांचवी एक्सरसाइज, हथेलियों को फेस लेवल पर रखें। अगर फेस लेवल पे लाना मुश्किल लग रहा है तो अपने कम्फर्ट लेवल तक लेके जाएं। अब पीछे करके और उसको नीचे की तरह स्क्वीज करें, ये भी रिपीटेशन आप एक बार में 10 दफा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइजेस के लिए आप हमारे हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं।